हाय, मैं सना हूँ और मैं जम्मू 99 से हूँ। और यहाँ पर आप आएंगे तो आपको बहुत सी सारी चीज़ें आपको 99 और 199 में मिलेगी। जैसे कॉस्मेटिक है, कॉस्मेटिक बाज़ार में आपको सिंगल पीस 100, 200, 500, 600 ऐसे मिलता है। और यहाँ पे हम आपको 99 और 199 में आपको दे रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम ये आपको 199 और 99 में हर चीज़ प्रोवाइड करें। लेडीज़ फुटवेयर भी हम आपको 99 और 199 में प्रोवाइड करेंगे। या जब आप यहाँ पे विज़िट करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। नियर पुलिस स्टेशन हमारा जानीपुर में हमारी लोकेशन है। आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर प्लीज़ आके एक बार विज़िट करें। थैंक यू। हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने 6 अगस्त को जब ज्वाइन किया है गवर्नर साहब ने, बड़े शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में उन्होंने इंडस्ट्री को बेनिफिट दिया है। पर तो ये जो पैकेज आया हम इसको वेलकम करते हैं, पर इस पैकेज में एक जो हमको एक बड़ी ड्रॉबैक नज़र आ रहा है कि इस पैकेज में एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं है। आज एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री जो 30 साल से काम कर रही है, मिलिटेंसी को झेल रही है, उसके लिए इस पैकेज में कुछ नहीं है। सब्सटेंशियल एक्सपेंशन वालों के लिए कुछ नहीं है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इसमें उनको, पहली बात है कि जैसे GST का रिफंड है, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक GST के रिफंड के लिए हमारे को एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को और सब्सटेंशियल एक्सपेंशन वालों को कवर किया जाए। हमारे स्टेट गवर्नमेंट के जो हमारे बाकी मुद्दे हैं, जैसे अपने टोल टैक्स की वजह से हमको अभी तक कोई इंसेंटिव नहीं मिला है। हमको 2% का इंसेंटिव हमने रिक्वेस्ट कर रखी है कि जितना हमारा मेटल बाहर से आ रहा है, रॉ मेटल का हमको 2% का इंसेंटिव दिया जाए। स्टेट की हमारी जो एक्साइज पॉलिसी है उसके बारे में, उसके जो उसमें जो ड्रॉबैक है उनको दूर किया जाए। हमारे हम इनकमिंग रोड फ्रेट मांगते हैं, आउटगोइंग रोड फ्रेट भी मांगते हैं। तो कि हमने अगर यहाँ पे हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 40% है, हमारे पास हम 100 टन माल बनाते हैं तो स्टेट में 30-40% बिकता है, तो 60% स्पेयर कैपेसिटी है। तो उसके लिए अगर हमको स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसा बाय रोड का ट्रांसपोर्टेशन का इंसेंटिव दे देना तो हम पूरी कंट्री में एक एक्सपोर्ट मार्केट में भी कवर कर सकते हैं। तो टोल टैक्स चला गया, टोल टैक्स की वजह से हमारा स्टील सेक्टर और सीमेंट सेक्टर और बाकी पैकेजिंग सेक्टर और बाकी सारा सेक्टर डिस्टर्ब है। आज जो हमारे ट्रेडर जो उस टाइम बड़ा बढ़ चढ़ के बोलते थे कि हम टोल टैक्स की वजह ये हो जाएगा, ये चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, कौन सी चीज़ें सस्ती हुई हैं मेरे को बताइए। उल्टे वो लोग भी परेशान हैं। आज नेबरिंग स्टेट से दुनिया भर का माल आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, हिमाचल से आ रहा है। तो मेरी ये अपील है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि माइक्रो स्मॉल स्केल सेक्टर, MSME सेक्टर जो काम कर रहा है 30 साल से, 5-4 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, आप चाहते हो कि वो बंद हो जाए और नहीं आ जाएँ। जब नहीं आएंगे देखी जाएगी। IDA स्कीम 2017 आई, मैं आपको फिगर देता हूँ, उसमें जो हमारे जो एम्प्लॉयमेंट 3 साल में, पूरे 3 साल में 7,500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली और 600 यूनिट रजिस्टर हुए, ये क्या एम्प्लॉयमेंट है। तो उस पैकेज में भी जो खामियां थी हमने बड़ी गवर्नमेंट को बताई, पर कुछ नहीं किया। उसका रिजल्ट आज देख रहे हैं, उस पैकेज में कोई भी यूनिट नहीं आया, बिल्कुल जीरो, ऑलमोस्ट 0% ग्रोथ हुई है। अब ये पैकेज आया, अगर इसमें भी हमारी बात सुनी नहीं जाएगी तो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी। तो मेरी ये अपील है कि इसमें जो हमने डिमांड रखी है वो डिमांड हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, उसको हमारी डिमांड को जो एक्सेप्ट करें। हमारे साथ स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग करें, जो स्टेट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी आनी है उसमें जो हमारे स्टेट के पॉइंट है, टर्नओवर का पॉइंट है, हमारी जो इनकमिंग रॉ मटेरियल का पॉइंट है, जो हमारे कमर्शियल टैक्स के इश्यूज हैं, स्टेट पॉलिसी के इशू हैं, वो सारे रिजॉल्व।